नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरेश रावानखड़े। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और वहां रहने वाले अधिकांश लोग गांव में रहते हैं और ज्यादातर खेती और जानवरों की देखभाल करके अपना जीवन बिताते हैं। अभी खेती से आने वाले पैसों का लगभग 29.3% हिस्सा जानवरों की देखभाल से आता है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जानवर पाले जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा उत्पादित दूध की मात्रा समय के साथ कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि किसान कम पैसा कमा रहे हैं और सरकार इसे लेकर काफी चिंतित है। इस समस्या को ठीक करने के लिए सरकार ने किसानों को अधिक दूध बनाने में मदद करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसे उत्तर प्रदेश नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2024 कहा जाता है। दरअसल सरकार नंद बाबा मिल्क मिशन के जरिए राज्य में दूध क्रांति लाना चाहती है और इसीलिए उन्होंने यह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पशु पालने वाले और खेतों में काम करने वाले किसानों को 25 अच्छी गुणवत्ता वाली गायें दी जाएंगी, जिससे अगले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2024 के लिए पात्रता मापदंड की अगर बात करें तो आपको मूल रूप से उत्तर प्रदेश का होना जरूरी है। आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और साथ ही ये लाभ केवल उत्तर प्रदेश में पंजीकृत किसान ही प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके पास गायों की देखभाल का कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। मवेशियों के कान पर टैग जरूर होना चाहिए। इसके अलावा यूनिट स्थापित करने के लिए आपको कम से कम आधा एकड़ जमीन की जरूरत होगी। साथ ही पशुओं के भोजन के लिए आपके पास 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। जमीन या तो आपकी हो सकती है या फिर कम से कम 7 साल के लिए पट्टे पर दी जा सकती है। जो लोग पहले से ही कामधेनु, मिनी कामधेनु और माइक्रो कामधेनु योजनाओं से लाभान्वित हो चुके हैं, वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। नंदनी कृषक समृद्धि योजना के फायदों की अगर बात करें तो इसमें किसानों और पशुपालकों को 25 स्थानीय नस्ल की गायें प्रदान की जाएंगी, जो दूध उत्पादन में वृद्धि और अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करके उनकी आजीविका में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है। पुरानी त्वचा के रोगों के लिए एक नए टीके की शुरुआत पशुधन के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए प्रतिबद्धता दर्शाती है। इसके परिणाम स्वरूप मवेशी स्वस्थ हो सकते हैं, किसानों के लिए पशु चिकित्सक खर्च कम हो सकता है और उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नंदनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 50% अनुदान प्रदान करने से किसानों और पशुपालकों को अपनी मवेशी पालन इकाइयों की स्थापना और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता भी मिलती है। साथ ही नंदनी कृषक समृद्धि योजना के लिए जरूरी दस्तावेज की अगर बात की जाए तो इसमें आधार कार्ड, निवास का प्रमाण पत्र, भूमि स्वामित्व, बैंक के खाते का विवरण, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी। अब सवाल आता है कि नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? तो आपको बता दें कि अभी सरकार केवल ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करती है, लेकिन बाद में ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध हो जाएंगे। फॉर्म एक बार भरने के बाद आवेदन पत्र जमा करें। किसान इसे मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद मुख्य विकास अधिकारी या चिकित्सक अधिकारी के नेतृत्व में एक समिति सभी आवेदनों की समीक्षा करेगी और जांच करेगी कि आवेदक योजना की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या फिर नहीं। यदि उपलब्ध स्लॉट से अधिक आवेदन है तो चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसका मतलब है कि चयन ड्रॉ की तरह होगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2024 को शुरू करने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसके लिए कोई भी आधिकारिक वेबसाइट नहीं बनाई है। हालांकि इस योजना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए संभावना है कि वे जल्द ही इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाएंगे। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसान और पशुपालक इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दें कि कृषि जागरण की ओर से 1-5 दिसंबर तक द मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स का भव्य आयोजन किया जाएगा। अगर आप भी एक मिलेनियर किसान हैं, यानी कि आपकी भी सालाना आय 10 लाख से अधिक है, तो आप भी ये खिताब अपने नाम कर सकते हैं। तो फटाफट से देरी ना करते हुए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। शुक्रिया।